हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आप लोगों को मैं ब्रजेश जिंदल पढ़ा रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स। 5 लेक्चर ऑलरेडी इस चैप्टर के हो चुके हैं और आज है अपना लेक्चर नंबर 6। और इसके अंदर भी हम लोग हर लेक्चर की तरह पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिनसे कि आईआईटी जेई मेंस और एडवांस दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ इस टाइप का टॉपिक है जिसको ज्यादातर, अगर मतलब मेरा बोलना गलत होगा, लेकिन ज्यादातर टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन आईआईटी एडवांस के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज्यादा स्टूडेंट्स के टच में नहीं होते, या फिर उनको भी पता होता है कि ज्यादा बच्चों को वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आज वही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आईआईटी एडवांस के अंदर एक बेहतरीन क्वेश्चन आया था और काफी सारे स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। लेकिन आज के लेक्चर के बाद हम लोगों का वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि हम लोग उससे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं ब्रजेश जिंदल अगर अपनी बात करूं तो आई टीच फिजिकल केमिस्ट्री और 10 से भी ज्यादा सालों से मैं कोटा के इंस्टीट्यूट्स के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, एक्सक्लूसिवली फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो इसका मतलब आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला जो फिजिकल केमिस्ट्री का कंटेंट है वो इन डेप्थ कंटेंट है, और जहां तक मेरी नॉलेज है इतना इन डेप्थ नॉलेज वाला कंटेंट आपको ऑनलाइन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होने वाला है। तो अगर आपको मिल रहा है तो उसकी वैल्यू करो, जो जो आपको बोला जा रहा है वैसे करो ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। और जैसे मेरे पुराने स्टूडेंट्स, कई सारे पुराने स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की टॉप 100 टॉप 200 जैसी एआईआर के साथ आईआईटीज के अंदर गए हैं, तो आप लोग भी ऐसी ही अच्छी अच्छी ऑल इंडिया रैंक्स के साथ आईआईटीज के अंदर सेलेक्ट हो, अपनी मनपसंद की ब्रांच ले, एक अच्छा फ्यूचर बनाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इतनी एफर्ट कर रहा हूं, इतनी मेहनत डाल रहा हूं ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट आए अगले साल या उसके अगले साल, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो उसके अगले साल रिजल्ट देंगे 2021 में, और जो 12th क्लास में और 13th के अंदर है, जी हाँ 13 मतलब ड्रॉपर, हम लोग कोटा में उन्हें 13 स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो वो स्टूडेंट्स अगले साल ही अपने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए ताकि हमें और ज्यादा उत्साह मिले, हमें और ज्यादा खुशी मिले, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अनअकैडमी लर्नर ऐप की, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर भी मैं रेगुलरली कोर्सेज अपलोड करता रहता हूं, तो आपको वहां पर भी मेरे थ्रू असिस्टेंस मिल सकता है, किसके लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। वहां पर जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरे कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि सर का कौन सा कोर्स आया है और क्या आने वाला है। हो सकता है कि मैं अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी की भी इंफॉर्मेशन वहां पर आपके साथ शेयर कर दूं, तो जरूर से जरूर इसको फॉलो करना। साथ ही साथ अनअकैडमी के थ्रू आईआईटी जेई प्रिपरेशन का एक और प्लेटफॉर्म है जिसे बोलते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। जब आप अनअकैडमी के लर्नर ऐप पर जाओगे ना, तो वहां पर आपको प्लस करके एक टैब दिखेगा, ठीक है। तो उस प्लस टैब के ऊपर जब आप जाओगे तो वहां जाकर आपको एक अलग ही टाइप की दुनिया दिखेगी, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन ना सिर्फ लेक्चर मिलेंगे बल्कि कंप्लीट प्रिपरेशन का जो भी एक तरीके से बोल सकता हूं स्कोप हो सकता है, ठीक है ना, कि इसके थ्रू मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, इस चीज के थ्रू मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, इस चीज के थ्रू मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, तो वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले मैं टीचर्स की बात करता हूं, तो अपने को पता है ऑल ओवर इंडिया कोटा कोचिंग का जो सक्सेस रेट है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो वहां पर मेरी तरह ही और भी कोटा के बढ़िया एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे, जो कि आपको आईआईटी जेई की प्रिपरेशंस कराएंगे, और वो सब कोटा की तरह ही है, कोटा सिस्टम की तरह ही है। जैसे कोटा में ही इकलौता ऐसा होता है कि केमिस्ट्री को तीन अलग अलग पार्ट्स में तीन अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, तो यहां पर भी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको ऐसा ही मिलेगा कि तीनों जो केमिस्ट्री है वो तीन अलग अलग चैप्टर ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस टाइप से अपना एक बैच चूज कर सकते हो, ठीक है, कि अपने को इस बैच के अंदर पढ़ना है, इसमें फिजिक्स ये सर पढ़ा रहे हैं, इसमें केमिस्ट्री ये सर पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर मैथ्स ये सर पढ़ा रहे हैं। इस टाइप से आप वहां पर पहली बात तो क्लासेस ले सकते हो, सेकंड थिंग जो क्लासेस है वो सारी की सारी लाइव है, तो आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो जैसे कि आप एक ऑफलाइन क्लास के अंदर करते हो, ठीक है ना। वहां पर आपके पास
ऑप्शन रहता है कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपका जो भी डाउट है या जो भी क्वेरी है आप तुरंत रेज कर दो, सर उसका तुरंत आंसर भी करते हैं, ठीक है ना। तो वो एकदम इंटरेक्टिव क्लास होती है, साथ ही साथ वहां पर क्या होगा, आपको रेगुलरली होमवर्क मिलेगा, वो होमवर्क डिस्कस भी होगा, उसके अलावा आपके क्विज सेशंस रहेंगे, उसके अलावा आपको डीपीपीज वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और भी जैसे अगर मैं बात करूं डाउट सेशन की, तो वहां पर डेडिकेटेड डाउट सेशन है। डेडिकेटेड बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दी जाती है, डेडिकेटेड बोलने का मतलब कि जो टीचर आपको क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा है वही टीचर आपके डाउट सेशंस ले रहे हैं और लेते रहेंगे, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या कि जिस तरीके से टीचर आपको समझाते हैं उसी तरीके से आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वहां पर अभी हाल ही में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है, तो वो एक तरीके से आईआईटी जेई प्रिपेरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान होती है, ठीक है ना। आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, क्वेश्चंस लगाते रहोगे, लेकिन जब तक खुद को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। आपको तो लगेगा कि मैं इतना पढ़ाई करता हूँ, 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ, होमवर्क भी सारा करता हूँ, तो मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितनी और इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है, तब तक जरूरी नहीं कि आपका आईआईटी जेई में सिलेक्शन हो जाए। तो उसी के लिए अनअकैडमी ने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन को देख सकते हो कि इतनी प्रिपरेशन के बाद मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कितना मुझे और इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर मैं बात करता हूँ उसके सब्सक्रिप्शन पैकेज की, जी हाँ, ये जो प्लस प्लेटफॉर्म है वो एक पेड सर्विस है बाय Unacademy, और उसकी एक सब्सक्रिप्शन फी भी है। तो जब आप इसके पेज के ऊपर जाते हैं तो आपको कई सारे पैकेजेस मिलते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे पैकेजेस आपके लिए काम के नहीं हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अपने को महीने दो महीने प्रिपरेशन करनी, अपने को आईटी जेई कंप्लीट होने तक प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी 11th क्लास में है। 11th क्लास में जो बच्चे हैं उनको आईटी जेई देना है कब, 2021 में। तो उन्हें अभी तो 2 साल प्रिपरेशन करना है, 11th का भी और 12th का भी और साथ ही साथ आईआईटी का भी। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो वर्दी पैकेज है वो रहेगा कितना, 24 मंथ का। और ये 24 मंथ के पैकेज की फ़ी है कितनी, 40,000 रुपीज़। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, ठीक है ना, 40,000 रुपीज़। और इसमें भी अगर आप मेरा एक कोड यूज़ करते हैं बीजे लाइव मेरा इनिशियल है, तो बीजे लाइव अगर कोड यूज़ करते हैं तो आपका इसके अंदर 10% का रिलीफ मिल जाएगा और आपकी फ़ी हो जाएगी कितनी, 36,000 रुपीज़, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, 36,000 रुपीज़। तो 36,000 रुपीज़ में 2 साल के लिए कोटा लेवल की कोचिंग आपको मिलेगी घर बैठे, और वो भी कोटा के टीचर्स के थ्रू ही, कोटा के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही, ठीक है ना। तो आई डोंट फाइंड एनी बेटर ऑप्शन फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर आईटी जेई 2021। अब बात करते हैं हम लोग उन बच्चों की जो देने वाले हैं जेई 2020, मतलब जिनका एग्जाम अगले साल है। तो उनके लिए बेस्ट प्लान ये रहेगा कि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है ना। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो श्योर है कि जब तक आईटी कंप्लीट होगी तब तक अपने पास सब्सक्रिप्शन है, हम लोग लेक्चर्स देख सकते हैं। और उसके अलावा जो हम लोग आगे भी नए कोर्सेज वहाँ पर डालने वाले हैं उनका भी एक्सेस आपके पास रहेगा, और उसका भी फ़ी बहुत नॉमिनल है, 25,000 रुपी का ही फ़ी है। और इसमें भी सेम बेनिफिट मिलता है आपको डिस्काउंट का, कि बीजे लाइव कोड अगर यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर भी मिलेगा, और आपकी फ़ी अब हो जाएगी कितने की, 22,500 रुपये की। तो 1 साल प्रिपरेशन के लिए 22,500 और 2 साल प्रिपरेशन के लिए 40,000, मतलब कि 36,000, उसके अंदर भी 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आईआईटी जेई तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जल्दी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्ट्रांग बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। आते हम लोग अब लेक्चर की तरफ। नए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले कुछ लास्ट लेक्चर की चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपने वो कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो जाए, ठीक है ना। बिकॉज जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने जो टॉपिक्स हैं वो कनेक्टेड है, ठीक है ना, पिछले वाले से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने को यूज़ में आती ही रहेंगी। तो इस वजह से लास्ट लेक्चर को जब रिवाइज कर लेते हैं तो थोड़ी बहुत अपने को याद आ जाती है कि क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या उसके अंदर इम्पॉर्टेंट था। तो जैसे मैं लास्ट लेक्चर की बात करता हूँ, सबसे पहली चीज़ मैंने स्टार्ट किया था 0 ऑर्डर के रिमेनिंग पार्ट से। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में 0 ऑर्डर स्टार्ट किया था, उसका
न्यूमेरिकल पार्ट तो हो गया था, ग्राफिकल पार्ट और जीरो ऑर्डर से लास्ट लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था, और वहां पर एक चीज आपको बताई थी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टाइम के साथ वेरिएशन याद रखना। सीधा सीधा पूछा जा सकता है अपने से कि हाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और वो पैटर्न कैसा आया था, कैसा आया था, लीनियरली डिक्रीजिंग। ठीक है ना, कि जीरो ऑर्डर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, लीनियरली डिक्रीजिंग होता है, उसका ग्राफ भी हम लोगों ने बनाकर देखा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने जीरो ऑर्डर को फिनिश किया और फर्स्ट ऑर्डर को स्टार्ट किया था। ठीक है ना, और उसका भी उसी टाइप से डिस्कशन किया था जैसे कि जीरो ऑर्डर का किया था, लेकिन दोनों के अंदर जो कंक्लूजन निकल कर आए थे, कॉन्सेप्ट निकल कर आए थे, वो अलग अलग थे। जैसे जीरो ऑर्डर में तो रेट थ्रू आउट द रिएक्शन कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ वेरिएबल होती है और वो टाइम के साथ डिक्रीज ही करती है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस था बिटवीन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। फिर हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव किया था, और मैंने बोला था जो बच्चे 12th क्लास में उनके लिए वो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में 3 मार्क का वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उन्हें वहीं से स्टार्ट करना है। पहले वही रिएक्शन लिखेंगे, कौन सी रिएक्शन के लिए लिया था हम लोगों ने, ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, इस टाइप की रिएक्शन के लिए लिया था, और इसमें दो टाइम पर हम लोगों ने कंसंट्रेशन मानी थी, टी इक्वल टू जीरो पर ए नॉट और टी इक्वल टू टी पर कितना 80। ठीक है, और उसके बाद डिराइव होकर कितना निकल कर आया था कि ln a नॉट अपॉन 80 ये किसके इक्वल था, दोबारा से लिखता हूं मैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, तो वो आई थी kt इक्वल टू कितना ln a नॉट अपॉन 80। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसी को और फॉर्म्स भी मैंने बताए थे, जैसे ये तो नेचुरल लॉग में बेस 10 के अंदर अगर अपने को लिखना है तो क्या करेंगे, 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। एक और टाइप का फॉर्म होता है, ए नॉट को आप स्मॉल ए लिख सकते हैं और 80 को ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो वो वाला भी रिलेशन मिलेगा। साथ ही साथ इसको जब एंटी लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो रिलेशन आ जाएगा अपने पास में, 80 इक्वल टू कितना ए नॉट e रेस्ट टू पावर माइनस के टी। ये वाला भी रिलेशन कई सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज में आता है, तो याद रहना चाहिए। तो ये लॉग फॉर्म और ये कौन सा एंटी लॉग फॉर्म। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, काफी ज्यादा मैंने उसके ऊपर स्ट्रेस दिया था कि टी हाफ जो निकल कर आया था वो कितना था, टी हाफ था कितना ln 2 अपॉन के। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर में तो कितना निकल कर आया था ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है ना, गलत, ln 2 अपॉन के, वहां पर कितना आया था ए नॉट अपॉन 2k आया था, तो k तो कॉन्स्टेंट है लेकिन ए नॉट इनिशियल अमाउंट है, तो आधा होने में जो भी टाइम लगेगा वो इनिशियल अमाउंट पर वहां पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं दिख रहा है। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कैसा, कांस्टेंट आया था। ठीक है ना, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है, मतलब आधा होने में लगने वाला टाइम, वो इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे 1 मोल से स्टार्ट करो, चाहे 100 मोल से स्टार्ट करो, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो एक फिक्स टाइम के बाद दोनों का अमाउंट कैसा हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर दोनों सेम ही रिएक्शन है तो दोनों में हाफ होने में लगने वाला टाइम कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, इसी टाइप से मैंने निकाला था T3/4 भी इसके लिए, तो T3/4 कितना आ गया था, T3/4 आया था कितना, 2 times of T half। इस चीज को याद रखना, इससे कई सारे क्वेश्चन अपने को मिलते हैं, लास्ट सन पे भी किए थे हम लोगों ने। T3/4 कितना होता है, 2 times of T half होता है, और टी हाफ इनिशियल पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T3/4 भी इनिशियल पर डिपेंड नहीं करेगा। और इससे मैंने एक और कंक्लूजन बताया था कि किसी भी टाइप का टी अल्फा, अल्फा जहां पर कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है, तो किसी भी प्रकार का टी अल्फा इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, तो यहां तक का पार्ट हम लोगों ने लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे, और अब हम लोग इससे आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं, और उसके लिए सबसे पहली चीज डिस्कस करते हैं हम लोग ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर के ग्राफ बनाए थे, तो आज हम लोग ग्राफ बनाएंगे किसके, फर्स्ट ऑर्डर के। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने को ग्राफ प्लॉटिंग आना चाहिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक सिंपल ग्राफ से मैं स्टार्ट करता हूं, और उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग वो वाले ग्राफ देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्राफ जो हम लोग बनाने जा रहे हैं यहां पर, ये ग्राफ होगा किसका, रेट वर्सेस, ये ग्राफ होगा किसका, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ।
ठीक है ना, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ होने वाला है। ठीक है, ये ग्राफ बनाने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे कि जो अपनी रेट है, इस रेट को तो लेंगे कौन सी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए को लेंगे कौन सी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। ये ग्राफ अपने को बनाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन देखते हैं, और वो आता है किससे, डिफरेंशियल रेट लॉ से। क्या रिलेशन था कि रेट वॉज इक्वल टू वॉट, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितना था, वन था, ठीक है ना। नाउ रेट को लेना है मुझे कहां पर, y एक्सिस पर, और कंसंट्रेशन को लेना है x एक्सिस पर। तो ये किस टाइप का रिलेशन दिख रहा है, y इक्वल टू के एक्स टाइप का रिलेशन दिख रहा है। और मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। तो ये भी क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगी, स्लोप किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, के कॉन्स्टेंट है और पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होता है, तो स्लोप भी कैसी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव स्लोप मतलब इंक्रीजिंग लाइन, और ग्राफ हो जाएगा अपना लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा, अगर हम लोग इस एंगल की बात करते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है, तो इस थीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, स्लोप जो होता है वो होता है टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स स्लोप, और स्लोप का मतलब कितना, के। ठीक है, तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में हम लोग ग्राफ बनाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो भी इंक्रीजिंग लाइन। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हम लोग बनाते हैं, और नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे किसके लिए, काफी इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है, और ये ग्राफ बनाते हैं सपोज हम लोग किसके लिए, ये ग्राफ लेता हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए ले लेता हूं, ठीक है ना, और वर्सेस टी ग्राफ ले लेता हूं, टाइम ग्राफ ले लेता हूं। ठीक है, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से ट्राई करो कैसा बनना चाहिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं खुद की प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद ये ग्राफ खुद से बनाकर देखें, और फिर वीडियो को वापस चालू करें, और उसके बाद देखें कि आपने करेक्ट बनाया या फिर इनकरेक्ट बनाया। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है अपने को किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो उसके लिए देखो, सबसे पहली चीज तो कंसंट्रेशन जो कि टाइम के साथ चेंज होती है वो कौन सी होती है, 80 होती है। तो ग्राफ बनाना है मुझे 80 का, और 80 का रिलेशन अगर आपको ध्यान हो कितना आया था, 80 वॉज इक्वल टू वॉट, अभी अभी लिखा भी था मैंने, ए नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस कितना, केटी था ये, 80 वॉज इक्वल टू वॉट, ए नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस केटी, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन होता है। नाउ 80 को लेना है मुझे वाई एक्सिस पर, ठीक है ना, और टाइम को लेना है, पूरे ई को नहीं लेना, टाइम को लेना है, और टाइम लेना है एक्स एक्सिस पर। तो ये किस टाइप का रिलेशन आ जाना चाहिए, खुद से देखो, ये तो वाई हो जाएगा, ए नॉट कॉन्स्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस के एक्स, इस टाइप का रिलेशन आ जाएगा। और वाई प्रोपोर्शनल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस के एक्स मतलब कि ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, ठीक है ना, ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। और एक्सपोनेंट में क्या होगा कि अगर टाइम बढ़ेगा तो इस पूरे का वैल्यू कम होगा, मतलब कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस टाइप का आएगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर टाइम के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा। जो टी इक्वल टू जीरो पर होगा, इस टी इक्वल टू जीरो वाली अमाउंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ए नॉट बोलेंगे, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसको लैंग्वेज में भी बोलना आना चाहिए, कैसे डिक्रीज कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, exponentially decreasing, ठीक है ना। तो लैंग्वेज से भी अपने को क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप का वेरिएशन शो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रहना चाहिए। और ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में एक डिफरेंस भी है, जीरो ऑर्डर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता था लीनियरली, और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है कैसे, एक्सपोनेंशियली। आई बात समझ में। एक और ग्राफ बनाते हैं हम लोग जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उस ग्राफ में हम लोग क्या करें, उस ग्राफ के अंदर मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस पर ln at और एक्स एक्सिस पर क्या, टी। ट्राई करो आप लोग अपनी अपनी कॉपी पेन के अंदर, ठीक है ना, कॉपी के अंदर ट्राई करो, पेन के थ्रू करो, ठीक है। तो ln at वर्सेस टी ये वाला ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखो ये भी पूछ लिया जाता है बिकॉज अपने से, तो इसके अंदर देखो क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन इनके बीच में लिखें। तो अपने को पता है कि KT किसके इक्वल होता है, ln A नॉट बाय AT, तो इसको लिख सकता हूं मैं ln A नॉट एंड माइनस कितना, ln AT,
ठीक है, इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। नाउ इसमें पूरे ln 80 को लेना है मुझे कौन सी एक्सिस पर, y एक्सिस पर, और टाइम को लेना है x एक्सिस पर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ln 80 विल बी इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ kt, तो इधर प्लस में क्या आएगा, ln a नॉट आ जाएगा, होगा इस टाइप से। और अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं अगर देखूं तो किसके टाइप की इक्वेशन आ रही है, ये आ रही है y इक्वल टू कितना, mx प्लस c टाइप की इक्वेशन, ठीक है ना, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन आ रही है। तो इसका मतलब लाइन बनेगी, लाइन भी ऐसी बनेगी जिसका स्लोप कैसा होगा, स्लोप का देखो आइडिया किससे लगेगा, m किसके इक्विवेलेंट है, माइनस k के इक्वल है, तो स्लोप होगा माइनस k मतलब नेगेटिव, और जो इंटरसेप्ट है ln a नॉट के इक्वल होगा। नाउ c का वैल्यू ln a नॉट है मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि पॉजिटिव होगा, a नॉट का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तब ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, a नॉट का वैल्यू 1 से लेसर है तब ये कैसा, नेगेटिव होगा, और a नॉट का वैल्यू 1 है तो कितना होगा, 0 होगा। मतलब तीन टाइप की यहां से लाइंस बन सकती हैं, लेकिन सभी का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होने वाला है। तो कौन कौन सी बनेगी, ये जब a नॉट का वैल्यू कितना हो, 0 हो, ये कब, जब a नॉट का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, और ये वाली कब, जब a नॉट का वैल्यू कैसा होगा, 1 से लेसर होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में होगा। लेकिन तीनों की जो स्लोप आएगी वो कैसी आएगी, इक्वली आने वाली है, ठीक है ना, तीनों की स्लोप कैसी होगी, इक्वल रहेगी। स्लोप इक्वल क्यों, बिकॉज स्लोप तो किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है, तो तीनों में से कोई सा भी ग्राफ हो सकता है ये, ठीक है ना, डिपेंड करता है किसके ऊपर, ए नॉट के ऊपर। इस वाले केस में क्या होगा, ए नॉट इज ग्रेटर देन 1 मोलर, इस वाले केस में ए नॉट कब, जब इक्वल टू 1 मोलर, और इस केस में a नॉट कैसा होगा, जब लेस देन 1 मोलर हो, ठीक है ना। आपके बोर्ड लेवल तक के टीचर हो सकते हैं कि सिर्फ ये वाला केस ही बता दें कि c इक्वल टू ln a नॉट आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है। इवन मैंने भी देखा है कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे टीचर्स, 99% तक टीचर्स सिर्फ क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला केस बता देते हैं, लेकिन अपना एडवांस तक का काम उससे चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। अपने को हर एक चीज के बारे में सोचना चाहिए कि क्या क्या उसके अंदर कंडीशंस है, और हर कंडीशन से अपने को देखना चाहिए कि कौन कौन सा ऑप्शन बन सकता है। आई बस ऑन में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर का हम लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर का हम लोगों ने ग्राफिकल पार्ट डिस्कस कर लिया। अब फर्स्ट ऑर्डर के कुछ क्या करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो आज के लेक्चर के अंदर नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, लेकिन अभी हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर को सिर्फ बेसिक बेसिस डिस्कस किया है, ठीक है ना, उसके रिलेशंस वगैरह डिराइव किए हैं, लेकिन उसके एडवांस प्रॉब्लम अभी एक दो लेक्चर के बाद हम लोग करेंगे और वो एक साथ करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, nth ऑर्डर काइनेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला था इंटीग्रेटेड रेट लॉ स्टार्ट करते टाइम कि स्पेसिफिकली सिलेबस में अपने है जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो दोनों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ और ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछ ले, या बाय चांस किसी बुक के अंदर अपने को क्वेश्चन मिल जाए, तो अगर मिल जाए तो उसको सॉल्व करके हमको आगे भी बढ़ना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अलग अलग ऑर्डर तो डिराइव करना पॉसिबल नहीं है, एक निकाल लेंगे हम लोग क्या, nth ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, और ये डेरिवेशन भी कैसे करेंगे, उसी रिएक्शन के लिए करेंगे। उसी रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, वही कौन सी वाली, अपनी फेवरेट ए चेंजिंग इनटू कौन सा प्रोडक्ट, उसी टाइप से अमाउंट्स मैंने मान रखे हैं क्या, कि t इक्वल टू जीरो पर कितना a नॉट, और t इक्वल टू t पर कितना at रह जाएगा, ठीक है ना। क्या तरीका बताया था मैंने, रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ क्या हो जाएगा इसके लिए, कि रेट विल बी इक्वल टू कितना, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसकी पावर में ऑर्डर, तो ऑर्डर मैंने कितनी मान ली, N मान ली, ठीक है ना। रेट को लिखूंगा मैं कंसंट्रेशन के टर्म में, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ dA by dt, मेथड वही है अभी अपना, माइनस dA by dt, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, जिसकी होल पावर कितनी, N। इसको इधर लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा कितना, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितना, माइनस N, और ये कितना होगा dA, और इट विल बी इक्वल टू व्हाट, kdt। और अब क्या कर सकते हैं हम लोग,
यहां पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है ना। तो लिमिट्स कैसे लगाएंगे हम लोग, वही दो चीजें हैं अपने पास में। t इक्वल टू जीरो पर कंसंट्रेशन कितना होगा, ए नॉट हो जाएगा, और t इक्वल टू टी पर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन करना आपको आता ही होगा, इंटीग्रेशन के रूल्स पता ही है अपने को, ठीक है ना, 12th क्लास के अंदर हम लोग हैं। तो क्या होगा, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर माइनस एन है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, ये एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में कितना, एन प्लस वन, और प्लस अगर लिमिट्स नहीं लगी हुई है तो एन प्लस वन और प्लस में कितना सी, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये रूल होता है, इसकी एक लिमिटेशन होती है कि ये n इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है, n इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है। क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, बिकॉज n अगर माइनस वन है तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर माइनस वन क्या होगा, वन अपॉन x, और उसका एक डिफरेंट रूल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन x dx क्या होता है, ln x होता है, तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो इसके अंदर अगर हम लोग अब यहां पर लगाएं तो क्या बनेगा, माइनस एन प्लस वन बन जाएगा, माइनस एन प्लस वन का मतलब कितना, वन माइनस एन, ठीक है ना। साथ ही साथ वो कहां पर जाएगा, अपॉन में भी जाएगा, और अपॉन में जाएगा तो कितना जाएगा, वन माइनस एन जाएगा। हम लोग क्या करें, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, n माइनस वन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर अपॉन में मेरे पास में क्या है, n माइनस वन है, और इसके बाद ये क्या बचेगा, a की पावर कितना आया था, वन माइनस एन, इसको उल्टा करके लिखता हूं, वन अपॉन में लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन a की पावर n माइनस वन, और अब लिमिट ये पुट कर दूंगा, तो उसके बाद जो रिलेशन मेरे पास में आएगा वो कुछ ये वाला रिलेशन होगा कि n माइनस वन इंटू के इंटू टी विल बी इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन ए टी की पावर कितना, n माइनस वन, माइनस 1 अपॉन ए नॉट का पावर कितना, n माइनस वन। और ऊपर वाली जो लिमिटेशन लगी हुई है उसकी वजह से इसके ऊपर भी एक लिमिटेशन लगेगी, और वो क्या लगेगी कि n कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर x की पावर में क्या है, n, तो n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, यहां पावर में कितना है, माइनस n, तो इस वजह से क्या लगा कि n कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट के लिए वैलिड नहीं है, बाकी किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अच्छे से वैलिड है। जैसे अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए ही बात करूं, तो जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये जीरो माइनस वन कितना, माइनस आ गया, ठीक है, माइनस के टी, इधर ए टी का पावर माइनस वन तो ये ऊपर चला जाएगा, ए नॉट का पावर माइनस वन ये भी ऊपर चला जाएगा, ए टी माइनस ए नॉट, और इधर है माइनस के टी, इधर का माइनस उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी, और ए नॉट माइनस ए टी इक्वल आ रहा है किसके, के टी के, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने nth ऑर्डर का क्या निकाल लिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल लिया, साथ ही साथ हम लोग इसके लिए निकाले क्या, इसका हाफ लाइफ, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कहां पर, एट टी हाफ, तो अपने को पता है कि टी हाफ पर क्या कॉन्सेप्ट है, अब तक तो याद ही हो गया होगा, अपने को रटने की जरूरत नहीं है। टी हाफ का मतलब वो टाइम जब इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अपनी आधी रिएक्ट कर जाती है, और आधी अगर रिएक्ट कर जाएगी तो बचेगी भी कितनी, आधी बचेगी, और आधी बचने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ए टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है ना, ए टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, और a नॉट अपॉन 2 जब मैं यहां पर पुट करूं तो देखो क्या हो गया, a नॉट अपॉन 2 को पुट किया तो नीचे तो क्या बचा, a नॉट की पावर n माइनस 1, और ऊपर क्या चला गया, 2 की पावर n माइनस 1। नाउ दोनों में एलसीएम कॉमन क्या आ रहा है, a नॉट की पावर n माइनस 1, और ऊपर क्या बचा है, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। तो इससे जो t हाफ आएगा अपना, वो t हाफ आ जाएगा कितना, 2 की पावर n माइनस 1, जैसा मैंने बोला ऊपर माइनस 1, अपॉन में क्या बचा था, ए नॉट की पावर एन माइनस वन, और इधर का एन माइनस वन के वो भी मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहां से ये टी हाफ आ जाता है किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए, और इसमें भी अभी एन का वैल्यू वन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अपने को ऐसा नहीं कि इनसे रिलेशन वगैरह डिराइव करने, इनको रटने की जरूरत है, मत रटो, ठीक है ना। बस एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकालना था, और वो क्या था, किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर अ रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होगा,
एक पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बात। टू कैसा है, कांस्टेंट है, टू की पावर एन माइनस वन, ये ऊपर वाला पार्ट कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया अपना, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। उसके अलावा अपॉन में भी देखो, ये एन माइनस वन भी कैसा, कांस्टेंट, के भी कैसा, कांस्टेंट, लेकिन इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अलग अलग लेते हैं तो हो सकता है कि हाफ लाइफ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो किसी भी रिएक्शन के लिए यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एन माइनस वन, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखूंगा तो कितना, ए नॉट की पावर वन माइनस एन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यहां से डिराइव होती है जो कि कई सारे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देती है, ठीक है। इसको याद ही रखना है अपने को कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर वन माइनस एन, और यहां पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इवन ये प्रोपोर्शनलिटी तो एन इक्वल टू वन के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना। जैसे क्रॉस चेक कर ले हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना आया था, ए नॉट अपॉन टू के, मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर कितना, वन। यहां से चेक कर लो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर वन माइनस जीरो, कितना आ रहा है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर वन। फर्स्ट के लिए हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट के लिए टी हाफ ए नॉट पर डिपेंड ही नहीं करता, यहां से निकालो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर कितना, वन माइनस वन, और वन माइनस वन जीरो, एंड समथिंग पावर जीरो कितना होता है, समथिंग पावर जीरो होता है वन। तो यहां से क्या आ जाएगा, समथिंग पावर जीरो वन, मतलब टी हाफ ए नॉट पर डिपेंड नहीं करेगा, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। आई बात समझ में, तो ये कुछ सारा था किसके लिए, nth ऑर्डर काइनेटिक्स से, और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सेकेंड ऑर्डर वाला रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर वाला रिलेशन जैसे कि nth ऑर्डर का रिलेशन अपने पास में क्या है, n माइनस वन इंटू के टी इक्वल टू वन अपॉन ए टी का पावर n माइनस वन माइनस वन अपॉन ए नॉट का पावर n माइनस वन, और सेकेंड ऑर्डर अगर है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग, टू ले लेंगे, n की वैल्यू टू इसके अंदर हम लोग पुट कर दें तो क्या रिलेशन आ जाएगा अपने पास में, टू माइनस वन, n माइनस वन मतलब टू माइनस वन, और टू माइनस वन का वैल्यू वन, तो सारे n माइनस वन कितने बन गए, वन बन गए, और इससे फिर रिलेशन आ जाएगा कितना, रिलेशन आ जाएगा अपने पास में कि kt इज इक्वल टू कितना, kt इक्वल टू कितना, kt इक्वल टू वन अपॉन, देखो क्या बनेगा, at का पावर कितना, n माइनस वन मतलब कि वन, और माइनस वन अपॉन ए नॉट का पावर भी कितना, n माइनस वन मतलब कि वन। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ जाता है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसी में अगर हम लोगों को टी हाफ भी निकालना है तो टी हाफ निकालने के लिए तो अब क्या करें, यहीं से रिलेशन पुट कर लेते हैं हम लोग कि टी हाफ पर, एट टी हाफ क्या होता है, एट टी हाफ ए टी का वैल्यू कितना होता है, ए टी का वैल्यू हो जाता है ए नॉट अपॉन टू, ठीक है, और ये पुट कर दो यहां पर तो क्या बनेगा, इस जगह पर पुट करूंगा मैं ए नॉट बाय टू, तो टू तो ऊपर चला जाएगा, टू बाय ए नॉट, टू बाय ए नॉट माइनस वन बाय ए नॉट कितना, वन बाय ए नॉट, और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं किसका, टी हाफ का, तो ये टी हाफ का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, वन अपॉन ए नॉट इंटू कितना के, और ये होता है क्या, हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने निकाल लिया सेकेंड ऑर्डर के लिए, बाकी एनथ ऑर्डर के लिए क्या है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इवन मेरे टाइम पर भी बोर्ड के अंदर इसका डेरिवेशन आया था कि डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर रिएक्शन हुज ऑर्डर इक्वल टू एन, ठीक है ना। तो डेरिवेशन आ सकता है, तो आपको डेरिवेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भारी कॉन्सेप्ट लगाना है, मैंने आपको जीरो ऑर्डर से पहले ही बता दिया था, चाहे किसी भी टाइप की रिएक्शन हो सबका इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव करने का तरीका सेम ही रहेगा, कि पहले आप उसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो और फिर उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ यहां तक जाकर अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ का बेसिक पार्ट तो फिनिश हो गया है, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर कर ली, फर्स्ट ऑर्डर कर ली, सेकंड ऑर्डर हम लोगों ने कर ली। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को याद रहनी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हम लोगों ने जितने भी रिलेशन डिराइव किए वो किसके लिए है, किस टाइप की रिएक्शन के लिए, फॉर ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, इस टाइप की रिएक्शन के लिए हम लोगों ने डिराइव किए। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके लिए जैसे जीरो ऑर्डर का रिलेशन क्या निकल कर आया, जीरो ऑर्डर का रिलेशन निकल कर आया ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू कितना, के टी। इसी टाइप से फर्स्ट ऑर्डर के रिलेशन
किस कितना आया, एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू कितना के टी। इसी टाइप से सेकेंड ऑर्डर का अभी अभी निकाला मैंने, वन अपॉन ए टी माइनस वन अपॉन ए नॉट, और ये भी किसके इक्वल आया, के टी के इक्वल आया, ठीक है ना। तो अब आप याद रखना फॉर्मूले, इन्हें ही याद रखना, और इनके अंदर ये चीज जरूर याद रखना कि ये जो k है, ये k क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस है। रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस है रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए होती है, रिएक्टेंट के लिए। तो ये रेट कांस्टेंट किसका है, रिएक्टेंट का है, ठीक है। और जिस टाइप से रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में होता है, वैसा ही रिलेशन किस में होता है, उनके रेट कांस्टेंट्स में भी होता है, ठीक है ना। तो आप यही फॉर्मूला धड़ल्ले से यूज करो, बस ध्यान रखना कि यहां पर जो के दिया हुआ है वो किसका है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस का है। अभी तो यहां पर कोफिशियंट कितना दिख रहा है, वन दिख रहा है, और कोफिशियंट अगर वन है तो अपने को पता है रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस हो चाहे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन हो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। उसके बीच में का रिलेशन आप लिख सकते हो चाहो तो, कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है ना। इस टाइप से हम लोग दोनों को डिराइव करते हैं। हम लोगों ने रेट्स को भी ऐसे डिराइव किया था कि आर ओ आर किसके इक्वल आया था, आर ओ डी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो के ऑफ रिएक्शन में क्या है, के डिसअपीयरेंस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो बाई चांस दिक्कत कहां पर आएगी, जब इसका कोफिशियंट वन ना हो, ठीक है ना। अगर कोफिशियंट वन है तब तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम ही है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। लेकिन सपोज यहां पर कोफिशियंट कितना नहीं है, वन नहीं है, और कोफिशियंट अगर वन नहीं है तो अब क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है वो किसका है। ये जो फॉर्मूले लगाओगे इनमें के हमेशा पुट होगा किसका, डिसअपीयरेंस का। तो बाई चांस आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है रिएक्शन का, तो पहले उससे क्या निकालेंगे, डिसअपीयरेंस का रेट कांस्टेंट, और फिर ये वाले रिलेशन लगाकर अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेना। ये ऐसी चीज है जो कि वन ऑफ द एस कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग कहां पर पढ़ाते हैं, कोटा के अंदर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपको बाकी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये ना मिले, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको कि हम लोग कोटा के अंदर पढ़ाते हैं। तो यही स्पेशलिटी आपको रेगुलरली मिलने वाली है अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी के ऊपर, साथ ही साथ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, जिसमें डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 दिया हुआ है, और उसमें बोला है कि वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, 50 मिनट्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीज कर जाता है फ्रॉम 0.5 टू 0.125 मोलर इन वन सच डिकम्पोजिशन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस टू 0.05 मोलर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 उसने पूछा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करें इसे, रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ H2O2 से क्या बनता है, अपने को पता है ट्वाइस ऑफ H2O एंड प्लस O2, ये वाली रिएक्शन है सेल्फ डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की, ठीक है। चाहे तो हम लोग वन टाइम ऑफ H2O2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाया मैंने क्या, फर्स्ट ऑर्डर का है, बिंदास हम लोग लगाते हैं कि KT शुड बी इक्वल टू कितना, ln ए नॉट अपॉन ए टी। तो ये 0.5 से क्या हो जाए, अभी तो लिख लेते हैं ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है ना, आई बस ऑन में। नाउ के का वैल्यू निकल जाएगा अपना इससे, तो कैसे निकलेगा, के इंटू टाइम, टाइम कितना बोला उसने, 50 मिनट्स बोला है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन 0.5 से 0.125 हो जाती है, 0.5 अपॉन 0.125 करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, ln 4, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई ln 4, जिसको 2ln 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो 2ln 2, ln 2 का वैल्यू 0.7 ले सकते हैं, तो 2ln 2 या 0.693 अगर मैंने ले लिया, ठीक है ना,
तो 0.693 इंटू टू, या लास्ट में पुट कर देंगे अभी, के का वैल्यू यहां से आ गया अपने पास में कितना 2, तो ये कितना ln 2 अपॉन 25, और ये आएगा कौन सी यूनिट्स के अंदर, 25, और ये आएगा किसमें, मिनट इन्वर्स में, बिकॉज मैंने जो टाइम पुट किया था वो किसमें पुट किया था, मिनट्स में पुट किया था, ठीक है ना। यहां तक अपना क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें मैंने के की वैल्यू निकाल ली। नाउ मुझे रेट निकालना है, ठीक है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक नए टाइप का क्वेश्चन था, या एक तरीके से बोले एडवांस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन पूछा किसमें, जेई मेंस के अंदर, बिकॉज मेंस वालों के पास भी क्वेश्चन खत्म हो गए, तो अब वो एडवांस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डाइल्यूट करके पूछते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है एक। नाउ इसके अंदर क्या करें हम लोग, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना, आधे बच्चों को तो चोक चाक ही नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों ने चोक चाक मतलब कि क्लिक नहीं करता, तो हम लोगों ने तो क्या किया है कि स्टार्टिंग से पढ़ा है, और वो भी एकदम बेसिक से पढ़ा है, तो अपने को तो आती है सारी चीजें। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछा है, लेकिन O2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, किसके बारे में दी है, H2O2 के बारे में दी है, तो हम लोग H2O2 की रेट निकाल लेंगे और फिर उससे O2 की निकाल लेंगे, और वो कैसे निकलेगा, ये जो K निकला, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो K किसका निकला, ये H2O2 का निकला, ठीक है ना। K ऑफ H2O2 मतलब कि ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। अब मैं लगाता हूं रेट लॉ, रेट लॉ कैसे लगेगा, रेट लॉ विल बी इक्वल टू व्हाट, रेट, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, रेट विल बी K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 पावर कितना 1, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब यहां पर K मैंने क्या पुट किया है, डिसअपीयरेंस का पुट किया है, ठीक है ना, तो ये जो रेट निकलेगी वो भी किसकी निकलेगी, डिसअपीयरेंस की, मतलब ये आएगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, और ये कोटा आके ही क्लियर होती है, ठीक है ना। कई टीचर तो ऐसे पढ़ाते हुए मैंने देखे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए देखे कि यहां तो H2O2 का कंसंट्रेशन पुट किया है, इस वजह से रेट H2O2 की है, ना भैया ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यहां पर कंसंट्रेशन तो H2O2 की ही आएगी, चाहे आप रेट H2O2 का निकालो, चाहे रेट H2O का निकालो, चाहे रेट आप O2 का निकालो, कंसंट्रेशन तो H2O2 की आएगी, बिकॉज रेट लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन किसका लेना है अपने को, रिएक्टेंट का लेना है, ठीक है ना। क्या चेंज आया कि K मैंने किसका पुट किया है, K मैंने बोला था कि जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं तो रेट कांस्टेंट डिसअपीयरेंस का होता है, तो अगर रेट कांस्टेंट डिसअपीयरेंस का है, इस वजह से ये रेट किसकी है, डिसअपीयरेंस की है, और किसके डिसअपीयरेंस की, H2O2 की। नाउ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, विल बी इक्वल टू के, के का वैल्यू कितना, ln 2 अपॉन 25, तो ln 2 अपॉन 25, और कंसंट्रेशन कब पूछा है उसने, जब कितनी पहुंच जाती है, 0.05, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करने तो कितना 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5, अभी इसको लिखते हैं कितना, ln 2 अपॉन 5 और इनटू में कितना, अरे यार ln 2 अपॉन 5 और इसके इनटू में लिखते हैं कितना, 10⁻²। यूनिट्स का ध्यान रखना, बिकॉज जो ऑप्शंस दिए उसने अलग अलग टाइप की यूनिट्स के अंदर दिए थे, ठीक है। तो यूनिट्स क्या है होंगी यहाँ पर, मैंने कंसंट्रेशन मोलर में पुट किया है, और क्या आया था मिनट इन्वर्स में, तो ये आ रहा है अभी कितना, मोलर मिनट इन्वर्स। वैसे तो अपना क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया, ठीक है ना, बिकॉज एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर, इन यूनिट्स के अंदर आंसर दिया अपने को, ये -1, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, बिकॉज अभी तो अपने को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मिला है H2O2 का, लेकिन निकालना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो वो तो अब निकालना आता ही है अपने को। हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट जो कितना है 2, शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 और डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, और वो कितना है 1 है। और अब जाकर हम लोग इसके अंदर क्या करें, वैल्यूज पुट करें, तो ये देखो ये वैल्यू मैंने पुट करी तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 10 बन जाएगा, ठीक है ना, और अपॉन में 10 बन जाएगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, सिर्फ O2 लिख देता हूं, जगह कम है, तो O2 का रेट कितना आ जाएगा अपने पास में, अपॉन में 2 है, ठीक है ना, तो 5 इंटू 2 10 बनेगा, वो 10 ऊपर जाएगा, तो ln 2 इंटू 10⁻³, और ln 2 का वैल्यू कितना होता है 0.693, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 6.93, और फिर 10 की पावर कितनी बन जाएगी, -4, और ये आएगा कौन सी यूनिट में, मोलर मिनट इन्वर्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है अपना कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है ना।
काफ़ी टाइम बाद जेई मेन्स के अंदर अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कॉपी कर लिया था उन्होंने एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सब्जेक्ट के होते हैं, कॉन्सेप्ट तो टॉपिक के होते हैं, एग्जाम के नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा लगा कि मेन्स के अंदर भी इतना अच्छा क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में मैंने शायद लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो बहुत कम लोग पढ़ा पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी के ऊपर इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट है किसका, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस का, ठीक है ना। कई लोग सिर्फ एक ही टाइप का स्यूडो ऑर्डर पढ़ा देते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है ना, इस टाइप का पढ़ा देते हैं। हम लोग ऐसा कोई यूनिमोलिकुलर लिख नहीं रहे, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है ना। क्या होती है, स्यूडो का मतलब जो एक्चुअल में नहीं होता, होता कुछ और है लेकिन हो कुछ और जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन इस टाइप की है जिनका ऑर्डर होता तो कुछ और है लेकिन चेंज हो जाता है, तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा किसमें, एकदम टू द पॉइंट लिखा रहा हूं आपको। पहली चीज तो उन रिएक्शंस में लगेगा जिनके अंदर रिएक्टेंट्स कैसे होंगे, मोर देन वन होंगे। अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो स्यूडो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं लगेगा, सिर्फ तभी लग सकता है जब रिएक्टेंट्स कितने हो, मोर देन वन हो। पहला की पॉइंट तो ये याद रखेंगे। और सिर्फ मोर देन वन रिएक्टेंट होने से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ क्या होगा कि उनमें से इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन, ठीक है ना, ध्यान देना, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, ठीक है ना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट पूरा ही इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, तो क्या होता है, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज चेंज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज चेंज, और इसी वजह से रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर की रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। पहली बात क्या होना चाहिए, रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए, और ऐसी रिएक्शन में अगर मैं किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस अमाउंट में ले लूं, बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी वजह से रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। समझते हैं इसको हम लोग किसी एग्जाम्पल से, ठीक है ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए सपोज मैंने क्या किया, एक से ज्यादा रिएक्टेंट वाली रिएक्शन ले ली, जैसे कि ए प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना, ए प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। नाउ इसके लिए मैं रेट लॉ लिखता हूं, तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, ठीक है ना, रेट क्या होनी चाहिए, रेट शुड बी इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों की पावर वन। अगर आप बाहर कहीं पर पढ़ रहे हो तो हो सकता है दोनों की पावर वन हो जाए, लेकिन कोटा में अगर पढ़ रहे हो तो दोनों की पावर वन नहीं होगी, ए की पावर एक्स होगी, बी की पावर वाई होगी। बिकॉज मैंने आपको बताया था जब तक रिएक्शन के बारे में क्लियर ना हो, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना ले, मतलब रिएक्शन का टाइप कौन सा रहते हैं, कॉम्प्लेक्स, और रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स है तो अपने को ऑर्डर के बारे में पता नहीं होता है। आई बात समझ में, तो ऑर्डर मैंने, रिएक्शन मैंने मानी कैसी, कॉम्प्लेक्स। नाउ अपने पास में ऑर्डर x और y है, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ गया, x प्लस y आ गया, बात आई समझ में, रिएक्शन का ऑर्डर साथ में लिख देता हूं मैं, रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ गया, रिएक्शन का ऑर्डर आ गया x प्लस y, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक ना। x और y तो पार्शियल ऑर्डर है, लेकिन x प्लस y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब अगर इसके अंदर t इक्वल टू जीरो पर, ठीक है ना, t इक्वल टू जीरो पर मैं अमाउंट लेता हूं, किस किस का, a का और b का, जैसे इसका अमाउंट लिया मैंने 1 और इसका अमाउंट लिया कितना 1000, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, तो मैंने एक्सेस में लिया किसको, b को, तो होगा क्या, किसी टाइम t तक, ठीक है ना, कुछ टाइम t तक इसको अगर मैंने लिखा 1 माइनस एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, 1000 माइनस एक्स, पक्की बात है 1000 माइनस एक्स ही लिखेंगे। Now, क्या चेंज आया, अपने को पता है कि जो x होगा इसका वैल्यू इस 1 से तो कैसा होगा, छोटा होगा डेफिनेटली, बिकॉज 1 माइनस एक्स लिखा है तो x का वैल्यू लेस देन 1 होगा, और x का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो x का वैल्यू 1000 के कंपैरिजन में तो कैसा होगा, वेरी वेरी लेस होगा, ठीक है ना, 1000 के कंपैरिजन में वेरी वेरी लेस होगा, और 1000 के कंपैरिजन में अगर वेरी वेरी लेस है तो इस 1000 माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, इस 1000 माइनस एक्स को नियरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1000, ठीक है ना, ये चीज समझ में आई।
1000 माइनस एक्स को नियरली, जैसे 0.5 मान लो, एक्स की वैल्यू 0.5 ले ली, तो 1 माइनस 0.5, यहां तो 1 के रेस्पेक्ट में 0.5 सिग्निफिकेंट है, लेकिन 1000 के रेस्पेक्ट में 0.5 कैसा है? नेग्लिजिबल है, और नेग्लिजिबल है तो हम लोग 999.5 को नियरली कितना लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको मैंने 1000 लिख दिया, और 1000 लिख दिया तो इसका मतलब 0 से टी टाइम तक क्या हुआ कि जो बी है वो कैसा बना हुआ है? कॉन्स्टेंट बना हुआ है, ठीक है ना? थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ये कैसा बना हुआ है? कॉन्स्टेंट बना हुआ है, अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट बना हुआ है। तो इससे इफेक्ट क्या आएगा वो देखते हैं हम लोग। रेट के ऊपर इफेक्ट देखते हैं, रेट लॉ मैंने ये लिखा, ठीक है ना? नाउ इसके अंदर अब कंसंट्रेशन ऑफ बी ऑलमोस्ट कैसा बना हुआ है? कॉन्स्टेंट बना हुआ है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर कॉन्स्टेंट बना हुआ है तो वो कॉन्स्टेंट रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या करें हम लोग, बी अगर कॉन्स्टेंट है तो बी टू द पावर वाई भी कैसा हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और के भी एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट इंटू न्यू कॉन्स्टेंट न्यूअर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और रेट लो हम लोग लिख सकते हैं कैसे, रेट विल बी इक्वल टू वॉट, के डैश और कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कितना, एक्स, ठीक है ना? इन कंडीशन में रेट लॉ इसका ये हो जाएगा, और इन कंडीशन में रेट लॉ अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब अब जो ऑर्डर आ रही है वो ऑर्डर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी अपनी कितनी, सिर्फ एक्स। ऑर्डर कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो एक्चुअली में तो ऑर्डर कितनी थी, एक्स प्लस वाई, लेकिन जब एक रिएक्टेंट को मैंने एक्सेस में लिया तो एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर मुझे मिल रही है कितनी, एक्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब चेंज हो जाती है तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। साथ ही साथ एक और चीज है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो मैंने के डैश लिखा है, ये के डैश किसके इक्वल है, ओरिजिनल के, ठीक है ना? ओरिजिनल के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर कितना, वाई, ये इसके इक्वल है। तो इसमें देखो के कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा एक नया कांस्टेंट हो जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग नेट रेट कांस्टेंट फॉर एक्सेथ ऑर्डर रिएक्शन। अभी रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, एक्स है, ठीक है? तो जब भी कभी हम लोग मोर देन वन रिएक्टेंट वाली रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं तो उस रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसी वजह से इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। आई समझ में? एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्यूडो ऑर्डर का, ठीक है ना? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सामने लिखा हुआ है वो एग्जांपल, ठीक है ना? एरो कंप्लीट कर देता हूं मैं। तो सामने जो एग्जांपल लिखा हुआ है काफी फेमस सी रिएक्शन है और केमिकल काइनेटिक्स में तो यूज आती रहती है। ये दिया हुआ है अपने को CH3COOH, मतलब कि ये है एक एस्टर, इसका हाइड्रोलिसिस किया है, रिएक्शन किए है वाटर के साथ, जिससे बन रहा है एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बन रहा है क्या, एल्कोहल, ठीक है? काफी फेमस सी रिएक्शन है, ठीक है? और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंस क्या है कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है और वो कैटलिस्ट होता है क्या, H प्लस, ठीक है? इस रिएक्शन के लिए H प्लस एक्वस एक्ट एज द कैटलिस्ट, ठीक है ना? एसिड कैटलाइज रिएक्शन इसको बोलते हैं, और ये रिएक्शन हो रही है किसमें, एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है? अब इस रिएक्शन में अगर हम लोग रेट लॉ लिखें तो एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ मेरे पास में है क्या, कि रेट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेट विल बी इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एक्वस की पावर कितना होता है, वन होता है, ठीक है ना? इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, H2O लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन होती है, उसको तो ऑलरेडी मैंने K से मल्टीप्लाई कर रखा है, और साथ ही साथ यहां पर क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस है किसका, एस्टर वाला, वो भी होता है, और वो कितना होता है, वन होता है, ठीक है ना? नाउ कैटलिस्ट के बारे में हम वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे 13 में है उनको तो पता ही होता है कि कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसका मतलब वो कैसा बना रहेगा, वो कैसा बना रहेगा, कॉन्स्टेंट बना रहेगा, ठीक है ना? वो खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, मतलब कैसा बना रहेगा, कॉन्स्टेंट, और अगर कॉन्स्टेंट है तो वो रेट को भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? सो इसका अगर हम लोग लिखें क्या, इसका हम लोग लिखते हैं रेट लॉ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, इसे रेट शुड बी इक्वल टू व्हाट,
ठीक है ना, रेट शुड बी इक्वल टू, या एक बार मैं लिख ही लेता हूँ, देखो पूरा सूडा ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इसको लिखा मैंने क्या, H2O को भी ले लेते हैं, बेचारे उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो H2O को भी लेते हैं, चलो। तो H2O को भी लिया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड, इसकी भी पावर में कितना होता है, 1 होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस ये भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब दो चीजें यहां पर लग रही है, H प्लस वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, H प्लस तो कैसा है, कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट है तो ये कैसा बना रहेगा, कॉन्स्टेंट। लेकिन सूडो ऑर्डर तो मैं बताने ही भूल गया था आपको, कैटलिस्ट है तो इसकी वजह से ये क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। अब दूसरी चीज क्या है कि ये जो H2O है वो क्या है, रिएक्शन है एक्वस मीडियम की, मतलब सॉल्यूशन फेज की, और उसके अंदर H2O भी प्रेजेंट है। H2O रिएक्टेंट होने के साथ साथ यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और आप लोगों ने अगर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रखा है तो उसमें आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, और सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का अमाउंट होता है कैसा, एक्सेस, कैसा होता है, एक्सेस होता है। और एक्सेस अगर अमाउंट है किसी भी एक रिएक्टेंट का, H2O का अमाउंट कैसा है, एक्सेस आ रहा है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सूडो ऑर्डर, मतलब इसकी अमाउंट भी कैसी बनी रहेगी, कांस्टेंट। तो ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को मिला देते हैं के साथ में, और इफेक्टिव रेट लॉ मेरे पास में कितना आ जाएगा, इफेक्टिव रेट लॉ आ जाएगा कि रेट इज इक्वल टू कितना, वो एक के डैश ले लेता हूं मैं, के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर की पावर कितना, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर की पावर कितना, 1। और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, सूडो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से निकल गया। नाउ साथ ही साथ अपने को के बारे में पता होना चाहिए, तो के साथ मैंने किस किस को मल्टीप्लाई किया, H2O को भी किया और H+ को भी किया। अब H2O का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अलग अलग एसिड से मिलने वाला H+ कैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसके अंदर देखो, वेयर अगर हम लोग बात करें के डैश का, ठीक है ना, जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट कौन है, के डैश है, तो ये के डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस के, जो मिलेगा कहां से, कैटलिस्ट से। और इसी के ऊपर जेई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, ना सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स, उसने केमिकल काइनेटिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर कर एक क्वेश्चन पूछा था, और वो हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आप इस वाली स्लाइड को देख लो ताकि आपको इसके अंदर कोई भी डाउट ना आए, और जल्दी से सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, चेक करो कुछ चमकता है नहीं चमकता, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट दे रखा है, या मिथाइल एसिटेट का मतलब वही एस्टर दे रखा है अपने को, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, 1 मोलर की खुद की कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब कि एक्वस मीडियम में दिया हुआ है, बाय अ वीक एसिड, एक बार वीक एसिड लिया जिसकी खुद की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और उस टाइम पर जो रेट आई है, इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, इट इज 1/100 दैट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। इसने क्या किया, एक बार हाइड्रोलिसिस में वीक एसिड लिया HA, और एक बार दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HX, ठीक है ना। तो जो वीक एसिड के अंदर रेट आई है वो कितनी आई है, 1/100 आई है, आई बात समझ में। दोनों जगह पर मिथाइल एसिटेट का कंसंट्रेशन तो कितना था, 1 था। अभी अभी मैंने रेट लॉ लिखा था प्रीवियस स्लाइड के अंदर, देखो यहीं पर दिखा देता हूं मैं आपको, रेट लॉ इफेक्टिवली अपने पास में ये आया है, ठीक है ना, रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर पावर 1, दोनों केस में एस्टर की कंसंट्रेशन 1 है, लेकिन दोनों केस के अंदर क्या होगा, जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, एस्टर पर और के डैश पर, एस्टर तो दोनों में सेम ले लिया तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के डैश। और अभी अभी मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में कि ये जो K डैश है, ये K डैश खुद किसके प्रोपोर्शनल है, वो देखो, K डैश प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो कि कहां से आता है, कैटलिस्ट से आता है, ठीक है ना। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो कि कहां से आ रहा है, कैटलिस्ट से आ रहा है।
ठीक है। तो अपने पास में एक प्रोपोर्शनलिटी बन गई किन किन के बीच में, रेट और H प्लस के बीच में, ठीक है ना, दोनों के बीच में पूरा प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो कहां से आ रहा है, कैटलिस्ट से। तो दो कंडीशन के लिए इसे लगा देते हैं। दो कंडीशन के लिए कैसे लगाएंगे हम लोग, दो कंडीशन के लिए लगाया मैंने कि रेट कौन सी वाली, रेट है कौन सी, वीक वाली, ठीक है ना, अपॉन रेट है कौन सी, स्ट्रांग वाली, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी कौन सा वाला होना चाहिए, स्ट्रांग वाला, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, तो ऊपर तो जो H प्लस होगा वो कौन सा वाला होगा, वीक वाला होगा, और नीचे जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो कौन सा, स्ट्रांग वाला रहेगा। आई बात समझ में? नाउ उसने बोला है कि वीक का जो रेट है वो स्ट्रांग के रेस्पेक्ट में 1/100 है, मतलब कि ये रेशियो तो आ जाएगा अपना कितना, 1/100, ठीक है। शुड बी इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये कौन सा वाला, वीक वाला, ये अभी अपने को नहीं पता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड उसने दिया हुआ है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब ही क्या होता है, जिसका आयोनाइजेशन 100% होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड HX है जिसकी खुद की मोलैरिटी 1 मोलर है, तो यहां से मिलने वाला H प्लस भी कितना होगा, 1 मोलर होगा। तो यहां से सॉल्व करने पर क्या आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस जो कि मुझे कहां से मिले, वीक एसिड से, वीक एसिड कौन सा है अपना, एच ए, ठीक है ना, HA से मिलने वाला H प्लस कितना आ गया अपना, 10^-2 मोलर आ गया, ठीक है। H प्लस कितना आ गया, 10^-2 मोलर आ गया, लेकिन उसने वैल्यू ये नहीं पूछा है कि H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, उसने पूछा है क्या, Ka पूछा है अपने से HA का, Ka मतलब कि एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ऐसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें HA अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता हो, तो वो निकाल सकते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करें, रिएक्शन को लिख लेते हैं, रिएक्शन लिखेंगे क्या हो जाएगी, एच ए एक्वस, ठीक है। रिएक्शन अगर मैंने लिखा तो एच ए एक्वस, जिससे क्या बनेगा, एक तो एच प्लस एक्वस और एक क्या बनेगा, ए माइनस एक्वस, ठीक है ना, एच प्लस एक्वस एंड ए माइनस एक्वस, ये थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है। नाउ इसके अंदर हम लोग अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एच ए का कंसंट्रेशन उसने कितना दे रखा था अपने को, 1 मोलर दे रखा था, फिर ये अचीव करेगा इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम टाइम पर इसको लिखा मैंने 1 - x, तो ये कितना x और ये कितना x, ठीक है। उसने जो क्वेश्चन मुझे दिया था उसके अकॉर्डिंग H प्लस कितना आ गया अपने पास में, 10^-2 मोलर आ गया, मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई, 10^-2 आ गई, तो वो X की वैल्यू इक्विलिब्रियम टाइम पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहां पर पुट कर दी मैंने 10^-2 मोलर, यहां पर पुट कर दी 10^-2 मोलर, और अगर मैं यहां पर पुट करना चाहूं 1 - 10^-2, 1 के रेस्पेक्ट में 10^-2 नेग्लिजिबल है, तो ये नियरली कितनी आ जाएगी, 1 मोलर आ जाएगी। और अब हम लोग इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, के ए, और वो कितना आ जाएगा, 10^-2 पावर कितना, 1, 10^-2 पावर कितना, 1, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1, और उसकी कमांड बढ़ जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट किया, फिर nth ऑर्डर डिस्कस किया, उसके बाद में उससे सेकंड ऑर्डर डिस्कस किया, फिर सूडो ऑर्डर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन उससे पहले एक आपसे बात करनी है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के अंदर चैनल को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन बाय बाय। ना 1, तो ये के का वैल्यू निकल कर आएगा कितना, 1 × 10^-4, मतलब कि कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, अपना ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन